बहुत बहुत शुक्रिया दमदार भाई। दमदार भाई कह रहे थे कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, तो मैं बता दूं दमदार, मैं ना पुलिस का आदमी हूँ, ना बिहार का आदमी हूँ, ना दिल्ली का आदमी हूँ, आज भी तो मैं अपनी घरवाली का हूँ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे, दमदार कह रहे थे माँ के पाँव छू के आता हूँ, माँ के पाँव छू के तो मैं भी आता हूँ, मगर एक सलाह जरूर देता हूँ सबको कि माँ के पाँव तो छुआ करे, साथ साथ बच्चों के माँ की भी छू लिया है। चार पंक्तियों में बताता हूँ आपको कि सुनिए हुजूर आपको मैं सच बताता हूँ, के सुनिए हुजूर आपको मैं सच बताता हूँ, मंचों पे जाके किस तरह मैं रंग जमाता हूँ, कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, की कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, पत्नी के अपनी पाँव में छू कर के आता, पत्नी के अपनी पाँव में छू कर के आता हूँ। बहुत फायदे ऐसा पत्नी के पाँव में रहना। आज अखबार में निकला था, व्हाट्सएप पे आया कि एक पत्नी को उसके पति ने मायके जाने से रोका तो उसने उसकी आँख खोल दी। आप लोग तक भी पहुंची? देखिए भलाई है दमदार भाई, बहुत सारे सारी बातें हैं पत्नी के लिए, मगर एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रह के पुलिस में काम करता हूँ, कविताएं करता हूँ, आज उलूक महोत्सव है, मैं बहुत सारी बात करता हूँ, मगर जैसा कि आदेशित हुआ है कि मैं अपनी विधा में बात करूँ, चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। पुलिस के लोग बड़े सख्त माने जाते हैं, तो मैंने कभी कहा कि कलम से, तेज से, आंखों से, लब से बात करता हूं। मिजाज से शायर व्यक्ति हूं, पढ़ना चाहता हूं कि कलम से, तेज से, आंखों से, लब से बात करता हूं, तो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता कि कलम से, तेज से, आंखों से, लब से बात करता हूं, तो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूं, और भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में, लेकिन कि भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में, लेकिन अदब की महफिलों में मैं अदब से हमने अपने बड़ों के पायताने में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के कविता कहनी सीखी है। ऐसे में कविता के इतने बड़े गुरु मंच पे हैं, मैं चार पंक्तियां इनके चरणों में समर्पित करता हूँ कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, और तू पारस है कि तू पारस है, मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं। अरे वाह, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। चार पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चल रहा हूँ, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूँ, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूँ, और जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ। उस हाथ को पकड़े रखिएगा दिल्ली से यहाँ तक की, दिल्ली से यहाँ तक की यात्रा शुरू की, बहुत सारी बातें होती है, कौमी यकजहती की बात होगी, प्रेम की बात होगी, माँ की बात होगी, उलूक देवता की बात होगी, हास्य की बात होगी, हमारे देश में बहुत सारी बातें की जाती है। वर्दी के बारे में भी दमदार भाई ने बताया कि पुलिस, यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ के देखिए, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ के देखिए। आज बड़ा अच्छा दिन है कि एक यूपी पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब उधर बैठे, दिल्ली पुलिस वाला माइक पे है। पुलिस वालों के बारे में देखिए, ईमानदारी है जिसकी खाते हैं उसकी, उसका गाना भी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहता हूँ, गंभीर बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं पुलिस वाले ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, सब लोग अपनी अपनी परिभाषाएं रखते हैं। गुरु जी की उपस्थिति में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि हम पुलिस वाले क्या नहीं हो सकते। हमने कहा कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। दरबार भैया आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं।
कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भाग नहीं हो सकते हैं, जी के जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भाग नहीं हो सकते हैं, जी के जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजान नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों से फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजान नहीं हो सकते हैं, और हम वर्दी के लोग कि हम वर्दी के लोग बदन पे जान छिड़कते रहते हैं, हम वर्दी के लोग बदन पे जान छिड़कते रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार जिंदे रहो गोखर वाला भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी बात है, बहुत अच्छा मंच है, इतने अच्छे सुनने वाले लोगों का बहुत कम मिलते हैं। आज जब यहाँ लोग बैठे हैं, एक और बात पे चर्चा करना चाहता हूँ। सारी बात सारे ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, ज्ञान देंगे कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म के फल आपको मिलेंगे, आपके पिताजी भी जो अच्छे कर्म करते हैं उसके कर्मों के फल अवार्ड को मिलता है। मगर मैंने चार पंक्तियां लगदार वाली की स्वागत कि मजनू को राधा को या फिर दर्द मिला फरहाद को, कि मजनू को राधा को या फिर दर्द मिला फरहाद को, कर्मों के फल माँ बाबू के मिलता है औलाद को, कि कर्मों के फल माँ बाबू के मिलता है औलाद को। तो लेकिन मुझको एक बात को बतलाओ है प्रिय ससुर, कि लेकिन मुझको एक बात को बतलाओ है प्रिय ससुर, अपने घर की आफत काहे सौंप दिए दामाद को, कि अपने घर की आफत काहे सौंप दिए दामाद को। हमारे सनातन संस्कृति में बड़ी अजीब विडंबना है, पंडित जी बताते थे भाई सातों जन्म इसी से काम चलाना पड़ेगा, ऐसे में एक सनातनी पति क्या कर सकता है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके क्या गाता है, क्या गुनगुनाता है, थोड़ा सा ईगो देना, आप थोड़ी सी तालियां तालियों की ताल दीजिएगा, मैं शुरू होना चाहता हूँ। सब लोग क्या विवाहित पति क्या कहते हैं कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये भूल बदलिए, जन्मावे नाम क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, जन्मावे नाम क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये सात जन्म बालक भूल भूल बदलिए, ये सात जन्म बालक भूल भूल बदलिए, मालिक हूँ घर का बंक पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बंक पर रहता हूँ मैं नौकर, कागज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, कागज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूं मैं बिखर की हो मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं बिखर की हो मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं बिखर की हो मिनिस्टर। तो कहते हैं कि मैं ये जब से मिले हैं नैन से हो गई गायब किसी दिन रैन से, कि मैंने जब से मिले हैं नैन से हो गई गायब किसी दिन रैन से, चैन से जीने तो देती हो नहीं, कि चैन से जीने तो देती हो नहीं, मत तो लेने दो प्रिय मुझे चैन से, कि मत तो लेने दो प्रिय मुझे चैन से। तो क्या कहना चाहता हूँ, तालियों की ताल मत तोड़िएगा, कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू सुर पे नाता बज के मेरी जिंदगी में आ, तू सुर पे नाता बज के मेरी जिंदगी में आ, तू सुर पे नाता बज के मेरी जिंदगी में आ, पटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं, पटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं, पटवा के तेरी नाक में भी राम हो। बहुत सारे लोग बहुत रिस्क लेते हैं, पत्नी पे बहुत कविता करते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं पत्नी पे कविता करते हो, घर जाते हो रोटी मिल जाती है। जो पति पत्नी पे लिखते हैं उनसे रिस्क से बचने का एक तरीका पढ़ना चाहता हूँ। चार पंक्तियां ऐसे ही सुनिएगा जैसे सुन रहे थे, बहुत अच्छा सुन रहे आप लोग।
कि पत्नी का कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, पत्नी का कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कहते ही इतना पाँव में फिर लोग कहते ही इतना पाँव। अरे दिल्ली से सुनहरी लाल तुरंत जी आए, वो तुरंत आएंगे, तुरंत सुनाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं सिखाते हैं, मैं जरूर बताता हूँ आपको। घर में सुखी रहने का मंत्र देना चाहता हूँ, पुलिस वाला ही आपके यहाँ सुख शांति ला सकता है। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ दहाड़ा साहब की, सब लोगों के लिए, जितने शादीशुदा, कितने शादीशुदा लोग हैं भाई, एक बार हाथ उठाइए। सारे लोग शादीशुदा है, बहुत लोग भाई साहब ज्यादा दुखी लग रहा, दोनों हाथ उठा रहे, एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजाएं बढ़िया से। घर में जो रहना हो सुखी से तो सुनिए जी, कि घर में जो रहना हो सुखी से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। कि घर में जो रहना हो सुखी से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी, पर किसी भी पत्नी से प्यार करते रहिए। हंस रहे हैं, खासकर कुछ बुजुर्ग लोग बड़ा हंस रहे, हमारे बुजुर्ग भी बड़े रसिया होते हैं। इस उम्र में अभी सिधारी राम बाबा जी के साथ आ रहा था, इस उम्र में 60 पार के हैं, इस उम्र में सब अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि काली हो चाहे मोटी हो बुंदी नहीं लगती, वाह, काली हो चाहे मोटी हो बुंदी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती, काली हो चाहे मोटी हो बुंदी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बुंदी नहीं लगती। बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, कि बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, फीकी भले हो चाय पर फीकी नहीं लगती, दूरी भले कितनी हो पर दूरी नहीं लगती, सर्दी भगानी हो तो फिर ससुराल जाइए। ये ज्ञान भट्टी भैया से मिला मुझे, कि सर्दी भगानी हो तो फिर ससुराल जाइए, शादी जो ससुराल में सर्दी नहीं लगती, शादी जो ससुराल में सर्दी नहीं लगती। एक मुद्दा और का आदेश हुआ है तो बात फिर से वहीं से, जो मेरा मिजाज है, जो मेरा तेवर है, वहां आना चाहता हूँ। एक मुद्दा ये पढ़ना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके अभिनेता हैं। कविता का काम हमें मिला है तो बड़ी ईमानदारी से करें, बखूबी हम करें। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए, रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए। कविताएं कुछ बोल उठेंगी, सम्यक अन्वय करते रहिए, कि कविताएं कुछ बोल उठेंगी, सम्यक अन्वय करते रहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। तो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। तो जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते, जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते। और उलूक देवता के लिए चार पंक्तियां, उलूक महोत्सव के लिए मैंने कुछ तैयारियां की थी, आदेश ये हुआ कि अपने तेवर में पढ़ी है तो मैंने वो पढ़ी। चार पंक्तियां, बनारस में बात करने का अपना निजाम है, उल्लू को उल्लू नहीं उलूक कहते। तो मैंने कहा कि करिए गले को तर्क सड़क के ध्रुव बोलिए, कि करिए गले को तर्क सड़क के ध्रुव बोलिए, गलती से भी ना सच कहीं दो टूक बोलिए, और काशी में बात करने का अपना निजाम है।
कि काशी में बात करने का अपना निजाम है, उल्लू भी दिखे तो उसे उल्लू। पत्नियां महिलाएं बहुत बैठी हुई है और लोग कहते हैं कि बीवी को सर पे चढ़ा रखा है, बीवी को सर पे चढ़ा रखा है, भाई उनका हक है। तो मैंने कहा कि सर पे सवार होना ही उसका हकूक है, हकूक मतलब हक, सर पे सवार होना ही उसका हकूक है। लक्ष्मी है पत्नी तो पति एकदम उलूक है, लक्ष्मी है पत्नी तो पति एकदम उलूक है। और गधा कहे उल्लू कहे या बैल ही कहे, गधा कहे उल्लू कहे या बैल ही कहे, पत्नी का हर सलूक ही जायज सलूक है। बहुत बहुत शुक्रिया।